साबित कर देंगे। हम मल्हारगंज वासी कितने सौभाग्यशाली है जो हमें इस वर्षा योग में ऐसे दो महान संतों का सानिध्य मिल रहा है। जैन समाज, जैन धर्म अहिंसा के लिए जाना जाता है, संयम के लिए जाना जाता है, मान मर्यादा के लिए जाना जाता है, सत्य के लिए जाना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, एक दिन मैं दादाजी के साथ बैठा था तो मेरे दादाजी मुझसे कहते कि बेटा उन्नीत तुम्हें एक बात पता है। मैंने कहा दादाजी बताइए आप कौन सी बात बताना चाहते हैं। तो मेरे दादाजी कहते कि हमारे जमाने में जब हम रेल से सफर करते थे ना तो टीटी हमसे टिकट नहीं मांगता था। मैंने कहा दादाजी आपकी तो बड़ी पहुंच थी फिर टिकट आपसे, टीटी आपसे टिकट नहीं मांगता था। तो मेरे दादाजी ने कहा बेटा हमारी पहुंच नहीं थी, हमारे पीछे जो जैन शब्द लगा है ना उसे सुनकर टीटी यह सोचता था कि यह तो ईमानदार व्यक्ति है, इसके पास तो टिकट जरूर मौजूद होगा। यह थी हमारी परंपरा। हम सत्य हमारी पहचान रह चुका है, मर्यादा हमारी पहचान रह चुका है, लेकिन यदि आज हम जैन समाज को देखें तो जैन समाज इन सब चीजों से विमुख होता जा रहा है। जैन समाज में मर्यादाएं कम हो चुकी है, सत्य कम हो चुका है, संयम कम हो चुका है। और यह सारी विकृतियां क्यों आ रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। यह सारी विकृतियां आ रही है गुरुओं के अभाव से, क्योंकि जब हम गुरुओं के सानिध्य में बैठते हैं तो गुरु हमें बातें बताते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, जैन धर्म की महिमा बताते हैं, और वह सब सुनकर हमें अपने आप पे गौरवान्वित महसूस होता है कि हम जैन समाज में पैदा हुए हैं। लेकिन आज गुरुओं का अभाव होने की वजह से हमारे जैन समाज का बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि जैन समाज कितनी बड़ी होती है। आप यदि किसी बच्चे से पूछे कि बेटा जैन समाज इतनी बड़ी क्यों है, हमें इतना लोग सम्मान क्यों देते हैं, तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन इसका सही उत्तर तो यह है क्योंकि जितनी मान, जितना सम्मान, जितनी मर्यादा, जितनी अहिंसा हमारी समाज में मौजूद है, हिंदुस्तान के किसी भी समाज में उतना संयम, मान मर्यादा और सत्य मौजूद नहीं। हमें जैन समाज के बच्चों को बताना होगा कि बेटा तुम जैन हो, अपने आप पे गर्व महसूस करो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय में बच्चे अपने नाम के पीछे जैन लगाना भी भूल जाएंगे, क्योंकि वह तो यह जानते नहीं है कि जैन क्या होता है। हमें उन्हें यह बात बतानी चाहिए। और इस मंच से खड़े होकर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी की कार के आगे आप उत्तम क्षमा लिखिए, जिससे सभी लोगों को यह पता पड़े कि यह जैन समाज में मौजूद एक व्यक्ति की गाड़ी है, क्योंकि उत्तम क्षमा तो जैन धर्म का ही आभूषण और जैन धर्म का ही उपकरण है। मैं तो कहता हूं कि यह वर्षा योग में हम जितना ज्यादा हम संयम अपने जीवन में धारण करें उतना बेहतर है। और हम सभी के मन में जो शंका है आप गुरुदेव के सामने लाइए। मैं कहता हूं इस वर्षा योग में इस पूरे क्षेत्र को हमें समोशरण में परिवर्तित कर देना है, और निश्चय और रोज प्रत्येक दिन हमें गुरु के पास एक शंका लेकर जानी है और गुरुवर से कहना है कि आप मन से आप प्रवचन में इस बात को जरूर हाईलाइट करें। जिस दिन हमने यह कर लिया, मैं कहता हूं जिस दिन हमने इंदौर जैन समाज के बच्चों को जैन धर्म का, जैन शब्द का, जैन आचरण का, जैन मुनि का, जैन साधुओं का, जैन भगवान का महत्व समझा दिया और मतलब समझा दिया, मैं कहता हूं कि कोई भी जैन व्यक्ति आपको अजैनी के साथ नहीं मिलेगा, या कोई भी जैन व्यक्ति अपने आप को अजैन नहीं कहेगा। यह हो चुका है। मैं आश्चर्य होता है जब भी मैं अपने किसी दोस्त से कहता हूं कि भैया हम लोग आलू प्याज लहसुन नहीं खाते, तो आप थोड़ा सा हमसे मतलब आलू प्याज लहसुन शेयर मत करना, तो वो कहते हैं कि यार तुम आलू प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हो, हम तो खाते, हम खाते हमें कुछ हो नहीं रहा है, हम खाते हमारे परीक्षा में अच्छे अंक आते, हम खाते हमारी टीचर प्रशंसा करती है, हमें कोई बुरा तो हो नहीं रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया जैन समाज का जो प्रथम उपकरण और जो प्रथम आभूषण है वह अहिंसा है, और हम अहिंसा को इतनी उत्कृष्ट बना देते हैं कि एक चींटी भी यदि हमारे पैर से मर जाती है तो हम उसके लिए पश्चाताप में उपवास कर देते हैं, एक चींटी यदि हमारे मुनिराज से मर जाती है तो मुनिराज दो दिन तक उपवास करते हैं। यह हमारी मर्यादा रही है, यह हमारा संयम रहा है। लेकिन आज जैन समाज का प्रत्येक बच्चा आपको आलू प्याज और लहसुन खाता मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका भी यही कारण है कि हमारे जैन समाज में गुरुओं का अभाव होता जा रहा है। और गुरुओं का अभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग गुरुओं का चातुर्मास तो कराते हैं, उन्हें बड़े जैसे आज हम देख रहे हैं इतना बड़ा महोत्सव बनाया जा रहा है, इतनी सारी जनता आई है, लेकिन हम गुरु के पास कभी शंका लेकर नहीं गए कि गुरुवर मेरे मन में यह शंका है, जरा आप इसका समाधान कीजिए। और जिस दिन जैन समाज के व्यक्ति ने, जैन समाज के बच्चे ने अपनी शंकाओं को गुरुवर के चरणों में रखने का प्रयास किया, उस दिन यह जैन समाज इतना बड़ा हो जाएगा कि विश्व में जैन समाज से बड़ी समाज कोई नहीं होगी। मैं कहना चाहूंगा आप लोग कहते हैं कि
कि जैन समाज की जनसंख्या कम है इसलिए जैन समाज को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूँ जनसंख्या कम नहीं है, जितनी जनसंख्या है ना उसमें जैन धर्म का महत्व कम हो चुका है। जितनी जनसंख्या है वह जैन धर्म का मतलब भूल चुकी है। और जिस दिन हमने इतनी ही जनसंख्या को जैन धर्म का और जैन समाज का मतलब समझा दिया उस दिन यह जैन समाज विश्व की सबसे बड़ी समाज बन जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि जैन समाज में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर पाए जाते हैं। जितना भी टैक्स मतलब जितना भी सरकारी खजाना होता है उसमें ज्यादातर योगदान जैन समाज के लोगों का और जैन समाज के व्यक्तियों का होता है। इसका कारण क्या है? इसका यह कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे मन में यह बात पहले से ही डाल दी है कि बेटा चोरी करने से बड़ा पाप कुछ नहीं होता। तो हम लोग तो कर चोरी करने को भी पाप मानते हैं, जो कि हिंदुस्तान में मुझे तो नहीं लगता पाप माना जाता है। जो व्यक्ति कर चोरी नहीं करता लोग उस पर हंसते हैं कि क्या सरकार को बेवकूफ नहीं बना पा रहा है, यह क्या संसार में जिएगा। लेकिन जैन समाज कर चोरी करने को भी इतना ही बड़ा अपराध समझता है जितने दूसरे अपराध होते हैं। मैं